ये हैं धर्मजय सिंह, मध्य प्रदेश के रीवा से ताल्लुक रखने वाले उन्नतशील किसान, लेकिन इनको कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया। इसके पीछे की कहानी बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। हम सभी जानते हैं कि मौत एक कटु सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन कई ऐसे मामले भी सामने आते हैं जब लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी जान बच जाती है। लेकिन रीवा के उन्नतशील किसान धर्मजय सिंह ने कोरोना से अपने आप को बचाने के लिए 1 या 2 लाख नहीं बल्कि 8 महीने के अंदर 8 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जी हाँ, सही सुना आपने, 8 करोड़ रुपए। दरअसल अप्रैल 2021 को पहली बार इनको कोरोना हुआ था, जिसके बाद उन्हें प्राथमिक इलाज के लिए रीवा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब यहाँ इलाज से उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो धर्मजय सिंह को एयरलिफ्ट कर 18 मई को चेन्नई के अपोलो अस्पताल ले जाया गया। अपोलो अस्पताल में देश के नामी डॉक्टरों के साथ साथ लंदन के तमाम बड़े डॉक्टर्स भी उनका इलाज कर रहे थे। कोरोना के चलते उनके फेफड़ों में संक्रमण फैल गया था और उसी दौरान उनकी किडनी फेल हो गई थी और ब्रेन हेमरेज तक हो गया था। डॉक्टरों ने धर्मजय सिंह को बचाने के लिए लाख कोशिशें की, यहां तक कि फेफड़ों में फैले संक्रमण की वजह से उन्हें एक्मो मशीन पर भी नई जिंदगी देने के लिए कोशिश की गई। इस मशीन का चार्ज एक दिन में 1 लाख रुपए से भी ज्यादा था। ऊपर से डॉक्टर्स की फीस, दवाइयों का खर्चा, कुल मिलाकर रोज के 3 लाख रुपए खर्च हो रहे थे, जिसके लिए इनके परिवार ने अपनी 50 एकड़ जमीन तक बेच डाली थी। शहर में जमींदार घराने से ताल्लुक रखने वाले धर्मजय सिंह स्ट्रॉबेरी और गुलाब की खेती करते थे। आपको यह भी बता दें कि उनको राष्ट्रपति सम्मानित भी कर चुके हैं। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी 26 जनवरी 2021 को मुख्य समारोह में उनको सम्मानित किया था। एक नेक दिल इंसान धर्मजय सिंह कोरोना के इस भयंकर दौर में भी समाज सेवा करने में लगे हुए थे। उसी दौरान उनकी जिंदगी में कोरोना काल बनकर आया और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी उनके परिवार वाले आज धर्मजय सिंह को नहीं बचा सके। 254 दिन 8 महीने तक जिंदगी मौत और कोरोना के बीच झूलती रही। आज धर्मजय सिंह जैसे उन्नतशील किसान हम सभी को अलविदा कहकर चले गए। कबीर ने सच ही कहा है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। अब कोरोना के इस भयावह काल में चाहे कुछ रहे ना रहे, लेकिन अगर हम सब साथ मिलकर इस जंग से लड़ने में सफल हो गए तो एक नई सुबह फिर देख सकेंगे, नई राहों में फिर चल सकेंगे। बस ये वक्त गुजर जाए ताकि अपने पराए सब स्वस्थ रहें।